नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा कपूर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट सह्याद्री हॉस्पिटल पूना से। आज मैं आपसे हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करूंगी। महाराष्ट्र में इसे पांडरा कावड़ भी बोलते हैं। सो हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो लिवर के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है, और इसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है, जो डीएनए होता है, वो लिवर के सेल्स के डीएनए के साथ घुल मिल जाता है। इसीलिए इसको वहां से निकालना कभी कभी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। सो अक्यूट हेपेटाइटिस बी अगर बचपन में किसी को होता है तो 90% चांस होता है कि ये पर्सन आगे जाकर के क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में परिवर्तित हो जाएगा। वहीं पे अगर किसी अडल्ट को अक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है तो 5% केसेस में ही केवल ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में परिवर्तित होता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि 20-30% लोग जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो जाता है वो आगे जाके सिरोसिस ऑफ लिवर में परिवर्तित हो जाते हैं। सिरोसिस ऑफ लिवर हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स में विद इन 5 years ऑफ ऑनसेट ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो सकता है, और ये इंडिपेंडेंटली भी लिवर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसीलिए इसके बारे में जानना और इसे प्रिवेंट करना जरूरी है। प्रिवेंशन इसका बड़ा ही आसान है। 3 doses वैक्सीनेशन भी हमें इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डोजेस लेने से पहले हमें HbA1c का जांच करना होता है। अगर HbA1c हमारा नेगेटिव है तो हमें 3 doses वैक्सीनेशन के लगेंगे। अगर पॉजिटिव है उसका मतलब है कि हमें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो गया है, वैक्सीनेशंस यहाँ पे काम नहीं करती हैं। फिर हमारा इवैल्यूएशन होना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट की आवश्यकता है कि नहीं है। सो अगर वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है तो जो 3 doses हैं वो मान लीजिए आज की तारीख पे पहला डोज लग गया, आज से 1 महीने के बाद दूसरा डोज लगेगा, और तीसरा डोज आज से 6 महीने के बाद लगेगा। वैसे आजकल सरकार ने जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत सभी बच्चों के लिए ये मैंडेटरी किया है कि सबको ये वैक्सीनेशन सरकारी दवाखानाओं में फ्री की मिलती है। जो पहला डोज बचपन में एट बर्थ लग जाता है, उसके बाद 1 महीने के बाद और फिर 6 महीने के बाद। सो इसका रूटीन सेम ही है जैसे अडल्ट के लिए है। सो अब समझते हैं कि भाई हेपेटाइटिस बी का कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं है। वेल, अगर किसी को केवल क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है तो इसमें हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरीके से हेपेटाइटिस बी को शरीर से निकालना क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के सिचुएशन में ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन रेट इज लेस देन 1% पर ईयर। और इसकी ट्रीटमेंट में हम 2 प्रकार की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही इक्वली इफेक्टिव है। पहले जमाने में इंटरफेरॉन के इंजेक्शन लगते थे, आजकल हम इंटरफेरॉन के इंजेक्शन नहीं देते हैं, केवल टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनकी साइड इफेक्ट्स मिनिमल है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये गोलियां लाइफ टाइम खानी पड़ती है, और साल में एक आध बार जो है LFT करना, अल्ट्रासाउंड करना, लिवर कैंसर का जो टेस्ट होता है AFP, उसको करना मैंडेटरी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप में किस प्रकार का हेपेटाइटिस बी है। जिसको टेस्ट करने के लिए हम लोग कुछ ब्लड की जाँचें करते हैं, अल्ट्रासाउंड लिवर का करते हैं, फाइब्रोस्कैन करते हैं, ये सारे टेस्ट भी हमको बताते हैं कि क्या आपको गोलियों की आवश्यकता है या नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि 90% बच्चे जिनको हेपेटाइटिस बी हो जाता है वो लोग आगे जाके क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में परिवर्तित हो जाते हैं, और इनमें से मेजॉरिटी लोग जो हैं उनको पैसिव बीमारी होती है। उसका क्या मायने है? उसका मायने ये है कि भाई शरीर में आपके हेपेटाइटिस बी है लेकिन वो अभी लिवर में सूजन या बीमारी नहीं पैदा कर रहा है। ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनमें भी हेपेटाइटिस बी हमको मिल जाता है, या कोई ब्लड डोनेशन के लिए जाता है उनमें हेपेटाइटिस बी मिल जाता है। उनमें लिवर के एंजाइम्स नॉर्मल होते हैं, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होता है, फाइब्रोस्कैन लिवर का जो होता है वो भी नॉर्मल होता है। ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, उनको केवल फॉलोअप करने की आवश्यकता है। हाँ, इनमें से एक स्पेशल ग्रुप जो है वो है प्रेग्नेंट लेडीज का। उनमें अगर वायरस की तादाद बहुत हाई होती है तो माँ से बच्चे का ट्रांसमिशन को 100% अवॉइड करने के लिए कई बार हम लेडीज को आखिरी के 3 महीनों में ट्रीटमेंट पे शुरू कर देते हैं, जो कि अगले 1 साल तक उनके लिए चलता है। उसके बाद फिर हम उस दवा को बंद कर देते हैं अगर माँ को ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के लिए। आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ हद तक हेल्प करेगी हेपेटाइटिस बी के बारे में समझने के लिए, और अगर कोई सवाल है आपके तो हम अवश्य उनका
सॉल्व करने की उनको कोशिश करेंगे. यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस ऑन द नंबर्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बिलो. थैंक यू सो मच. नमस्कार.